अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो, वी हैव रेड एंड अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, द हाउ बिल्ड हाउस इन आवर प्रीवियस वीडियो। सो इन टुडेज वीडियो वी विल रीड दिस स्टोरी फर्दर। ओके डियर स्टूडेंट्स, बट उससे पहले हम पहले नज़र डालते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या इसमें पढ़ा है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो चिटनस चिल्ड्रन हैं अथर्वा एंड नेहा, ये अपने कज़न्स के साथ, दिशा, ध्रुव एंड देव के साथ समर हॉलीडेज़ एंजॉय करने के लिए अपनी ग्रैंड मदर के घर जाते हैं, और जो इनके ग्रैंड मदर्स का जो फार्म हाउस है वहाँ पर इन बच्चों के लिए बाहर खेलने के लिए बहुत सारी गेम्स हैं, जैसे कि ये फ्लाई काइट्स, जो काइट्स हैं वहाँ पे उड़ाते हैं, पतंग जो उड़ाते हैं वहाँ पे, या पेड़ों पे चढ़ते हैं, या ये वहाँ पे स्विमिंग करते हैं एट्सेट्रा। तो एक ही दिन, एक दिन ऐसे होता है कि ये सारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि आज हम जो है बैम्बू ग्रू को देखने के लिए जाएंगे चाय के बाद, ठीक है। तो सारे बच्चे इस पर हाँ बोलते हैं। तो उसके बाद जो है ये बच्चे अपने बाइसिकल्स को लेके निकलते हैं बैम्बू ग्रू की जानिब, और उसी रास्ते पे उनको वहाँ पे एक घर नज़र आता है जो कि हाफ बिल्ट होता है, इनके आधा बना हुआ मकान होता है। और सारे बच्चे जब उस मकान को देखते हैं तो ये सोच ये बोल रहे हैं एक दूसरे से कि क्या अच्छी जगह है ये, यानी इस मकान को देख के बोल रहे हैं कि क्या अच्छी जगह है हाइड एंड सीक खेलने के लिए, यानी कि ये घर जो है, ये आधा बना जो घर है, ये हाइड एंड सीक खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो फिर ये डिसाइड करते हैं कि आज हम यहीं पर खेलेंगे हाइड एंड सीक, और बैम्बू ग्रू को हम कभी और देखेंगे। लेकिन उनमें से एक जो बच्ची है नेहा, वो उनको बोल रहे हैं कि अगर उस मकान में जहाँ पे बोल रहे हैं हम कि हम हाइड एंड सीक खेलेंगे, अगर वहाँ पे कुत्ते होंगे तो क्या होगा। तो उस बात पे जो अथर्वा है, जो इनमें सबसे बड़ा बच्चा है, वो उनको बोल रहा है कि फिर तो मैं और दिशा पहले इस मकान के अंदर जाएंगे, और हम देखेंगे अगर ये जगह सेफ है तब हम आपको अंदर आने की बोलेंगे, यानी कि हम आपको बोलेंगे कि आप अंदर आ जाओ तो हम यहाँ पर खेलेंगे। ये हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा। तो आज हमें पढ़ना है यहाँ से द अदर चिल्ड्रन, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। द अदर चिल्ड्रन वर ईगर फॉर एन एडवेंचर, दे वेटेड एट ए डिस्टेंस फॉर द टू ओल्डर चिल्ड्रन टू गिव द साइन दैट ऑल वॉज फाइन, बट दे वर टेकिंग लॉन्ग मिनट्स पासड। The three waiting children were getting impatient. They decided to go and find out for themselves what was happening. Just then Atharva and Disha came running back. Quick, let us get back to grandma's house at once, said Atharva. We shall tell dad right away what we saw, said Disha. And what did you see? Asked Dev, curious to know what had happened in the half-built house. When the children reached grandma's house, they were surprised to find Disha's father, Inspector Chitnis, already there. Dad, said Disha excitedly, you will never guess what we discovered. Did you remember those pictures of three wanted criminals that we had seen in your office? Those three men are here. They are in the half-built house. Atharva and I saw the men in the back room. Yes, those men almost caught us, but we hid behind two empty drums, said Atharva. And one man said to the others, oh, it is just a cat somewhere. The two children laughed, but that was dangerous. Children, grandma
क्राइड आउट इन अलार्म। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे हम देखते हैं कि आज इस कहानी में कौन सा मोड़ आ रहा है। द अदर चिल्ड्रन वेयर ईगर फॉर एन एडवेंचर। तो जब आप ये हमने ये पढ़ा है कि जब दिशा और अथर्वा इस मकान में पहले अंदर जाते हैं तो बाकी बच्चे बाहर बैठ के वेट कर रहे होते हैं। तो इस बात पे यानी कि ये बच्चे जो हैं जो बाहर वेट कर रहे थे ये बहुत ईगर हो। ईगर मीनस, ईगर का मतलब होता है एक्साइटेड अबाउट समथिंग और वांटिंग समथिंग वेरी मच, यानी कि बेताब होना किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये बाहर बैठ के बेताब हो रहे थे किस लिए? फॉर एडवेंचर, फॉर एडवेंचर। दे वेटेड एट ए डिस्टेंस फॉर द टू ओल्डर चिल्ड्रन टू गिव द साइन दैट ऑल वॉज फाइन। तो ये बाहर बैठे बच्चे जो थे ये डिस्टेंस पे बैठे थे, यानी कि दूर उस मकान से थोड़ा दूर बैठे थे इंतज़ार में कि किसके इंतज़ार में कि जो अंदर गए हैं दिशा और अथर्वा ये हमें बोलेंगी कि अंदर सब कुछ ठीक है, फिर हम भी इस मकान के अंदर जाएंगे। शाबाश, क्या टू गिव साइन दैट ऑल वॉज फाइन, यानी कि साइन का मतलब होता है यहाँ पे जेस्चर। ठीक है, ए मीनिंगफुल जेस्चर, यानी कि ये हमें इशारा दें कि अंदर सब कुछ ठीक है, फिर हम भी इस मकान के अंदर जाएंगे। बट दे वर टेकिंग लॉन्ग, मगर उन्होंने बहुत वहाँ पे टाइम लगाया, मिनट्स पासड, बहुत सारे सारा टाइम गुजर गया, यानी कि बहुत मिनट्स वहाँ पे गुजर गए बाहर उनको इंतज़ार में। द थ्री वेटिंग चिल्ड्रन वायर गेटिंग इम्पेशेंट, और जो बाहर तीन बच्चे बैठे हुए थे इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि टोटल ये बच्चे कितने थे? पांच थे, दो अंदर गए थे, तीन बाहर बैठे थे। तो जो बाहर तीन बैठे थे ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मतलब यानी कि ये हो रहे थे एंक्शस हो रहे थे, यानी कि बेताब ये हो रहे थे बाहर बैठ के। ठीक है, इम्पेशेंट का मतलब होता है नॉट वॉन्टिंग टू और एबल टू, या हम बोलेंगे वेट कॉमली, या एंक्शस एंड ईगर, जो बेताब बैठे ये बच्चे बाहर जो इंतज़ार कर रहे थे ये बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे थे। ठीक है, दे डिसाइडेड टू गो एंड फाइंड आउट फॉर देमसेल्व्स व्हाट वाज हैपनिंग, यानी कि अब उन्होंने डिसाइड किया इन तीन बच्चों ने कि हम भी अब अंदर जाएंगे, हम देखेंगे कि अंदर क्या हो रहा है, हम देखेंगे इस मकान में क्या हो रहा है, अभी अथर्वा और दिशा इस मकान से बाहर क्यों नहीं आए हैं। जस्ट देन अथर्वा एंड दिशा केम रनिंग बैक, जब उन्होंने ये डिसाइड किया तो उसी वक्त दिशा और अथर्वा इस मकान से बाहर आ गए, दौड़ते दौड़ते इस मकान से बाहर आ गए। क्विक लेट अस गेट बैक टू ग्रैंड माज हाउस एट वंस, सेड अथर्वा। तो जब ये बाहर आए ये बच्चे इस मकान से, तो आते आते ये बोल रहे हैं अथर्वा और दिशा इन तीन बच्चों को कि जल्दी करो, क्विक मीनस जल्दी करो, लेट अस गेट बैक टू ग्रैंड माज हाउस, अब हम वापस चलो वापस चलते हैं, जल्दी जल्दी वापस चलते हैं, कहाँ पे? ग्रैंड माज के मकान की तरफ, यानी कि हम फिर जाएंगे अपने ग्रैंड माज के मकान में। सैड अथर्वा, कौन बोल रहा है? अथर्वा बोल रहा है, वी शैल टेल डैड राइट अवे दैट वी व्हाट वी सॉ, सैड दिशा, यानी दिशा इनको बोल रही है कि हमें फौरन अपने मेरे डैड को बताना होगा, हमें फौरन मेरे डैड को बताना होगा कि हमने अभी क्या देखा, हमने अभी क्या देखा। ठीक है, यानी मकान में उन्होंने क्या देखा, इसका मतलब है कि मकान में उन्होंने कुछ देखा है। एंड वट डिड यू सी, आस्क्ड देव क्यूरियस टू नो वट हैड हैपन्ड इन द हॉबिट हाउस, जो इनमें से एक बच्चा था देव जो सबसे छोटा है, अब ये उनको बोल रहा है कि वट डिड यू सी, आपने क्या देखा, आपने मकान के अंदर क्या देखा। कौन बोल रहा है? देव बोल रहा है किन से? एक तो दिशा से और अथर्वा से। क्यूरियस टू नो वट हैड हैपन्ड इन द हॉबिट हाउस, अब ये बेताब है ये जाने के लिए, क्यूरियस मीन्स ईगर, यानी कि बेताब है ये जाने के लिए कि अंदर इस मकान में क्या है, इस मकान में व्हाट हैड हैपन्ड इन द हाफ ब्यूल्ट हाउस, यानी कि मकान के अंदर क्या हुआ है, हाफ ब्यूल्ट हाउस जो है इसके अंदर क्या हुआ, ये जाने के लिए बेकरार कौन है? शाबाश,
देव. ओके. व्हेन द चिल्ड्रन रीच्ड ग्रैंडमाज़ हाउस, अब जब ये बच्चे सब दौड़े और अपने ग्रैंडमाज़ के मकान की तरफ गए तो फिर वहाँ पे वे पहुँच गए. दे वेयर सरप्राइज टू फाइंड दिशा'स फादर इंस्पेक्टर चिटनेस ऑलरेडी देयर. तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, जब ये अपने ग्रैंड मदर के घर पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा, ये सरप्राइज हो गई, हैरान हो गए वहाँ के देख के, दिशा'स फादर इंस्पेक्टर जो था, यानी कि दिशा का जो फादर था वो इंस्पेक्टर था, ही वॉज ऑलरेडी देयर, वो वहाँ पे पहले ही, इनसे पहले ही पहुँच चुका था, वो वहाँ पे बैठा हुआ था. डैड डैड सेड दिशा एक्साइटेडली, यू विल नेवर गेस वट वी डिस्कवर्ड. अब दिशा जो है अपने डैड को पुकार रही है, डैड डैड, यानी कि एक्साइटेडली, यानी कि बेताबी से, खुशी से अपने डैड को बोल रही है, यू विल नेवर गेस वट वी डिस्कवर्ड, कि डैड आप यानी कि गैस ही नहीं कर सकते हो कि हमने आज क्या देखा, डिस्कवर मीन्स हमने आज क्या देखा. डिड यू रिमेंबर दोज पिक्चर्स ऑफ द थ्री वॉन्टेड क्रिमिनल्स दैट वी हैड सीन इन योर ऑफिस. अब ये डैड से बोल रही है कि क्या डैड आपको याद है वो तीन पिक्चर्स, यानी कि तीन जो वॉन्टेड क्रिमिनल्स थे उनकी जो पिक्चर्स, वो आपको याद है जो हमने आपके ऑफिस में देखी थी. ठीक है, यानी कि अपने डैड से ये बोल रही है कि वो आपको याद है वो पिक्चर्स जो मैंने आपके ऑफिस में देखी थी वो वांटेड क्रिमिनल्स की. दोज थ्री मैन आर हियर, वो तीनों जो हैं आदमी वो यहीं पे है, वो यहीं पे हैं. दे आर इन दैट हाफ बिल्ट हाउस, वो यहाँ पे जो हाफ बिल्ट हाउस है वहीं पे वो है, यानी कि ये तीनों जो क्रिमिनल्स हैं वो वहीं पे हैं. कहाँ पे, हाफ बिल्ड हाउस में. अथर्वा एंड आई सा द मैन इन द बैक रूम, ये दिशा अपने पापा को बोल रही है, अपने डैड को बोल रही है कि मैंने और अथर्वा ने इन तीनों क्रिमिनल्स को इस हाफ बिल्ड हाउस में देखा, लेकिन कहाँ पे, बैक रूम में, यानी कि पीछे वाले कमरे में. ठीक है, यस Those men almost caught us, but we hid behind two empty drums, said Atharva. अब Atharva बोल रहा है इसके डैड को कि हाँ ये बात सही है, यानी कि ये जो तीनों क्रिमिनल्स हैं उन्होंने हमें पकड़ ही लिया था, उन्होंने हमें almost caught us, यानी कि उन्होंने हमें पकड़ ही लिया था, but we hid behind two empty drums, लेकिन हमने अपने आप को दो जो खाली ड्रम वहां पे थे उनके पीछे अपने आप को छुपा दिया था. कौन बोल रहा है, अथर्वा किससे, यानी कि दिशा के डैड से बोल रहा है. एंड वन मैन सेड टू द अदर्स, ओह इट इज जस्ट ए कैट समवेयर, और उनमें से एक आदमी बोला बाकी दो आदमियों से कि ये कोई क्या बोला, तो द अदर्स ओ इट इज़ जस्ट अ कैट समवेयर, ओ ये सिर्फ ये कहीं यहाँ पे कोई बिल्ली होगी, ये कुछ कोई कैट है, कोई बिल्ली है, यानी कि उनको लगा कोई इशारा यहाँ से मिल रहा था, यहाँ पे कोई है हमारे अलावा इस मकान में, इस हाफ बिल्ड हाउस में कोई है, लेकिन एक आदमी उनमें से उठा और ये बोल रहा है इनको कि नहीं ये कोई बिल्ली है यहाँ पे, ये कहीं पे यहाँ बिल्ली है. The two children laughed. जब ये बच्चे इनकी ये बात सुन रहे हैं तो ये इस बात पे हंसने लगते हैं. But that was dangerous, children. Grandma cried out in alarm. यानी कि अब grandma जब ये बच्चे बता रहे हैं ये स्टोरी अपने grandma को और वहाँ पे बैठे दिशा के पापा जो इंस्पेक्टर हैं उसको, तो इस बात पे इनको grandma वहाँ पे चला के बोल रही है. क्या बोल रही है, That was dangerous. ये बहुत खतरा भरा था, यानी कि इसमें बहुत खतरा था, वो क्रिमिनल्स आपको पकड़ सकते थे. यानी कि अलार्म का मतलब होता है यहाँ पे, एक अलार्म वो होता है जो हम रखते हैं घड़ी में सुबह जागने के लिए, लेकिन ये कौन सा अलार्म है, इट इज़ ए वार्निंग ऑफ डेंजर, यानी कि जो वार्निंग होती है डेंज खतरे की, जो घंटी, खतरे की घंटी हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है,
यानी कि ये उनको बता रही कि आपके लिए वहां पे बहुत ज्यादा खतरा था, वो क्रिमिनल्स आपको पकड़ सकते थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, रिलेटेड टू दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू होम असाइनमेंट। तो होम असाइनमेंट क्या रहेगा आपके लिए आज? हाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे, होम असाइनमेंट में आपको क्या करना है, यू विल नेवर गेस व्हाट वी डिस्कवर्ड। यानी कि ये लाइन आपने इसी में पढ़ी, इसी पेज में, ठीक है। हु सेड दिस टू होम, आपको बताना है ये किसने किसको बोला। यू विल नेवर गेस व्हाट वी डिस्कवर्ड, ये किसने किसको बोला ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वायर हैड द चिल्ड्रन सीन द क्रिमिनल्स बिफोर, यानी कि इन बच्चों ने इन क्रिमिनल्स को पहले कहां देखा था। वायर हैड द चिल्ड्रन सीन द क्रिमिनल्स बिफोर, पहले इन बच्चों ने इन क्रिमिनल्स को कहां देखा था, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।